तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और ट्रेन आज लेट होगी हमारी, और ट्रेन में बैठे बैठे ही सुबह होगी। वैसे तो 4 बजे उतरना था, लेकिन यहाँ तो 6:30 बजे और अभी गुना पहुँची। यहाँ से 250 किलोमीटर लगभग रह रहा अभी। गुना स्टेशन है बेटा, एक ग्वालियर से आगे, ठीक है। तो बच्चों को सुबह सुबह चाय भी पिला दी, स्टेशन आया था गुना, गुना से ही चाय ली हमने। तो बच्चे नमकीन बिस्किट और चाय से नाश्ता कर रहे हैं। फिर स्टेशन काफ़ी देर तक ना आवे कभी और ट्रेन के अंदर कमी आवे चाय वाले, कल से कमी आए, पारसी जाके लानी पड़ी थी शाम को भी और सुबह को भी। बाहर जाके 4 चाय लेकर आया भाई, मैंने तो पी ली अपनी, आर उसी किए हैं पकड़े रखे बेटा। ट्रेन ही ले कभी गिर जाए आपकी चाय यार उसी। टिल्ले से आ जाओ कभी मैदान में। अच्छा, घास वाले पहाड़ घास वाले पहाड़ हमने तो पहली बार ही देखे, बर्फ वाले पहाड़ तो देखे भी थे पहले। वही नंदिनी और नंदिनी की मम्मी तो यहाँ सोई थी और आरुषि यहाँ सोई थी और मैं सोया था उस वाली सीट पे। आरुषि के पास में बाद में नंदिनी को लेटा दिया था यहाँ पे, तो आराम भी कर लिया बढ़िया तरह से, सो लिए, नींद पूरी होगी थी, बड़ी बढ़िया नींद पूरी हुई। बस 2 बजे से 4 बजे तक नींद नहीं आई मुझे सुबह में, देखता रहा मैं। पापा जी मुझे अपने पास ले लो, नहीं सुबह थोड़ी थोड़ी करके चले बैठा ठंडी कर करके। नहीं, अपनी चाय पी गए, एक बार और सो जाइयो, अभी तो 250 किलोमीटर है, कई घंटे लगेंगे, 5-6 घंटे लगेंगे हैं यार उसी। अच्छा, पहाड़ देखते रहो, पहाड़ का नजारा देख ले। क्या कह रही है, बता दे ट्रेन कहाँ पहुँची, हम पहुँचे नहीं पहुँचे, इसलिए ये 12 जागती रहेगी है यार उसी। तू सो गया, पूरी होगी नींद, ठीक है। तो यार उसी तो जितना सो गए रात में सो ले, दिन में नहीं सोती, कल भी नहीं सोती थी, ट्रेन में सारा दिन खेलती रही ट्रेन में इधर उधर ही। अब आए छोटे छोटे पहाड़ से आए ना, ट्रेन वाले पहाड़ आ गए। 10 बजने वाले हैं सुबह के और बच्चे हंस के खेल के खा के सफ़र अपना पूरा करने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग। नंदिनी माँ जी के हाथ के बनाए हुए बेसन के लड्डू खा रही है और आरुषि तो अपने फेवरेट लौकी की बर्फी। ये तो मम्मी ने बनाई थी। कौन सी? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल डिफरेंट आपके खेत खलिहान देखते हुए हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ जो हमने देखा बिल्कुल अलग तरह की खेत खलिहान, क्योंकि हमारे उधर तो ज़्यादातर गन्ने की खेती है, और यहाँ तो गन्ना दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलता। यहाँ पर शायद उड़द की खेती है जहाँ तक हमने खेत देखे, तो अलग अलग कृषि अलग अलग क्षेत्र में होती है। इस तरह का नज़ारा कुछ देखते हुए हम लोग बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं और बच्चों को सैंडल पहनाने शुरू कर दिया भाई। नंदिनी ने कहा मेरे सैंडल निकाल दो, शायद हम पहुंचने वाले हैं, है ना नंदिनी, पहुंचने वाले हैं ना, हम बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले नंदिनी झूल रही थी, अब और उसे झूलने लगी, यहाँ तो धूप निकल रही, थोड़ा सा धूप भी निकल रही। कल तो भाई हम देख रहे थे कि बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन अब बारिश नहीं है, धूप जैसी निकल गई, मौसम कुछ सही हो गया और बस धूप ना रह रहा है और बारिश भी ना हो, ठंडी सी हवा चलती रहे तो घूमने में मज़ा आएगा। खेत खलिहान ऐसे है, यहाँ पे पीले पीले से खेत दिखाई दे रहे, उर्द की खेती है सारी है। और फाइनली हम पहुँच गए भाई, देखो आरुषि ने पढ़ भी लिया, क्या लिखा है वहाँ पे, क्या लिख रहा है आरुषि? उज्जैन जंक्शन। उज्जैन जंक्शन लिख रहा है, महाकाल उज्जैन आ गया भाई। जय बोल दो, बोलो महाकालेश्वर बाबा की जय। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, ये प्लेटफॉर्म पे भी पहुँच गए भाई। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही है, बस थोड़ी देर में रुकने वाली है, ऐसे ही गाड़ी रुकेगी तो हम जैन की पावन धरती पर अपने कदम रखेंगे। बस पहुँचने ही वाले हैं, वैसे तो सुबह 4 बजे पहुँचना था लेकिन दिन के 11 बजे गए भाई, 7 घंटे ज़्यादा लगे हैं, ट्रेन डाइवर्ट हुई कई जगह से, लेकिन किसने कहा देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर से भले ही आ जाओ लेकिन दुरुस्त आना चाहिए, बढ़िया तरह से सही सलामत अच्छी रही यात्रा हमारी। चलो बैग निकाल लें अपने भाई, यात्री सब निकलने के लिए तैयार होने लगे।
रेडी हो गए, एक बैग मैंने ले लिया कमर पे, दूसरा ले लिया आराम से सारे बच्चों को। चिप्स की दुकान आ गई, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, महाकाल की नगरी उज्जैन में हम लोग पहुंच गए हैं, और एक बड़ा सा धन्यवाद इस ट्रेन को भी जो हमें देर से ही सही लेकिन महादेव की इस पावन नगरी में ला के छोड़ा इसने हमें। फ्रेंड्स, बैग दोनों मैंने ले रखे और बच्चों का हाथ पकड़ रखा प्रीति ने, और सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलेंगे। पहले तो देखो कितनी अच्छी चल रही, ठंडी ठंडी। फ्रेंड्स, ऑटो कर लिया सबसे पहले तो हमने, इसमें लगेज अपना और बच्चों को बैठा लूँ, मंदिर के नज़दीक ले जाएंगे और मंदिर के आसपास ही कहीं होटल में रूम लेंगे हम लोग। मंदिर यहीं पे है नज़दीक, महाकाल से आपको 6 किलोमीटर पड़ेगा। महाकाल से 6 किलोमीटर अच्छा, तो महाकाल मंदिर का परिसर है कितना, 300 मीटर? 300 मीटर के अराउंड में सारे मंदिर आपको, हर सिद्धि माता, राम मंदिर, चार धाम, रामघाट, बड़ा गणेश और महाकाल मंदिर। अच्छा, ये भस्म आरती कितने बजे होती है? भस्म आरती सुबह 4 बजे। तो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? नहीं, उसकी आपको बुकिंग करनी पड़ेगी सर। अच्छा, एक नंबर के ऊपर। अच्छा, आपको लाइन में लग के फॉर्म लेना पड़ेगा और वहीं ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी आपको, एक फॉर्म पे हो जाएगी। तो अगले दिन सुबह के लिए आज करना पड़ेगा? हाँ, आज करेंगे तो आप कल के लिए हो जाएगी आपकी बुकिंग। ठीक भैया, रूम हमने लिया है होटल सनशाइन में यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ी सी दूर महाकालेश्वर का मंदिर है, आगे बस थोड़ी दूर से शुरू हो जाएगा। तो सामान अपना उतार लें, शिफ्ट कर लें थोड़ा सा यहाँ पे, गैलरी के रास्ते भाई रूम आ गए। ऐसा हमने रूम लिया है, ये 2 डबल बेड्स हैं इसमें, वैसे तो 1 डबल बेड से भी काम चल जाता, चोट लग गई कोई बात नहीं, ब्रेस्ट। ओ माई गॉड, रिक्शे में लगाए, चलो कुछ लगाएंगे इसके भाई, वैसे तो हमारा काम चल जाता 1 डबल बेड से भी, लेकिन बच्चे हैं और थोड़ा स्पेस भी रूम में है तो थोड़ा बड़ा सा ही लिया हमने। टीवी देखोगे बच्चों? नहीं, मैं घूमने चलेंगे अब तो, नहाओ धो खाओ पियो, फ्रेश हो, कुछ मंगा लूँगा खाने के लिए, और थोड़ा ठीक सा लगा ये रूम, एसी भी चला सकते हैं इसमें हम लोग, और पंखा भी चला सकते हैं, पंखा तो घर चल ही रहा है। चलो लाफूंक मार दूँ कुमार में से, तो इसने ऑटो में लगवा लिया कहीं, ये लोग छेड़छाड़ ज्यादा ना करे जब, तो चलो कोई बात नहीं, कुछ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चेक इन करने के बाद हम लोगों ने अपने बैग वैग खोले, कपड़े निकल लिए और बच्चों को तो नहला दिया। फ्रेश हो लिए बच्चों? हाँ जी, बच्चे फ्रेश हो लिए, नहा लिया, और ये दोनों तो नहा लिए, अब मेरी और प्रीति की बारी है, हम भी नहा लें और उसके बाद निकलेंगे हम बाहर, कुछ खाना वाना खाएंगे बाहर होटल पे, और मंदिर की तरफ बढ़ेंगे अभी थोड़ा सा आगे। ले दो थोड़ा सा, अगर मैं लगाऊं? लगाओ लगाओ लगाओ, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अरे वाह, नंदू तो समझदार हो गई। तो फ्रेंड्स, हम दोनों लोग भी नहा धो लिए और नहा धो के थोड़ा सा तैयार हो गए, अब कुछ फ्रेशनेस की आई सफ़र की थोड़ी सी। अच्छा, पहले आप दोनों का तो पहले ही बता दिया था ना, वो दोनों पहले नहा लिए थे बच्चे, मतलब नहा दिए थे प्रीति ने, आपको तो नहाए नहीं, और हम दोनों भी नहा धो के तैयार हो गए भाई, अब थोड़ा बाहर की तरफ चलेंगे, कुछ खाना वाना खाओगे और मंदिर की तरफ जाएंगे, दर्शन करने का देखेंगे। आज कितने बजे है देखो, टाइम कितना हुआ भाई फ़ोन में, अभी 1:13 हुए, 1:15 वाला है मुझे, और खाना खाओगे 2 बज जाएंगे, मंदिर हालांकि थोड़ी सी दूर है, तो देखते हैं आज दर्शन हो पाए तो आज लाइन में लग लेंगे, नहीं तो कल के लिए भस्म आरती के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो कुछ भी होगा हमें वहीं जाकर पता लगेगा, क्योंकि हम ना पहली बार आए, हमें आता पता नहीं सिस्टम। तो चलिए बाहर की तरफ निकलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं भाई। फ्रेंड्स, अभी रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकले और आरुषि का हाथ पकड़ कर नंदनी का पकड़ लिया उसकी लंदन है, और हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। पहले ना हमें बताया था कि मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने की तरफ है, तो बस थोड़ा सा हमें पैदल चलना, और चल के ही देखेंगे हम कि आखिरकार कितनी दूर है मंदिर। ये महाकालेश्वर मंदिर जाने वाला रास्ता है भाई, और इस तरह की मार्केट है यहाँ दोनों तरफ, तो इसे देखते हुए चल रहे हम। पहले तो बच्चों को खाना खिलवा दो, फ्रेंड्स नंदिनी को तो खाना खाते ही भाई नींद आने लगी, या तो तेरी गोद में ले लो मुझे नींद आ रही, क्योंकि इसका ये सोने का टाइम है, स्कूल बस में से आते आते ही सो जाए, ऐसे सोती हुई उतार के लग रहे हैं।
ऑटो रिक्शा केवल यहाँ तक मिले हमें, इसके बाद ऑटो रिक्शा आगे जैसा कि हम देख रहे हैं ऑटो रिक्शा सब पीछे ही मिले हैं। इसके आगे बैरिकेडिंग लगी है, यहाँ से आगे कोई रिक्शा वगैरह नहीं जाती। बच्चों को तो खाना खा के आलस से आ गया, और यहाँ से मंदिर का गेट शुरू होता है। देखो पैदल तक इधर से आ रहे थे, और यहाँ से ये गेट है मंदिर का, यहाँ से एंट्री होती है। चलो लेफ्ट साइड में चलना जी, चलो दर्शन करने के लिए। और जैसे कि दोपहर बाद का टाइम है, तो सुनने में ये आ रहा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, आधा घंटे में नॉर्मली दर्शन हो जाएंगे। VIP पास लेने की ज़रूरत नहीं है। माला देख लगी देखे हैं, माला माला आके लेंगे, पहले दर्शन करने बाबा महाकाल के। भाई रास्ता तो बढ़िया सुंदर सजा रखा है भाई, जहाँ से हमें जाना है। बोलो महाकालेश्वर महाराज की जय। मंदिर के दरवाजे से ही प्रसाद ले लिया भाई। क्या क्या दिया है इसमें? कमल है और गुलाब है और सफ़ेद फूल कहेंगे, ये सफ़ेद फूल कहेंगे भैया, ये सफ़ेद वाले फूल। हाँ ये डिस्को फूल बोलते हैं। अच्छा, अंदर को लाकर में एक सामान का कोई चार्ज नहीं कराया भाई लोग। ओ भाई ये लोग अच्छा वो वाला है, ये प्रसाद ले लिया, प्रसाद के हाथ लगाओ सब लोग और प्रसाद चढ़ाऊंगे। वाले गेट पर डेकोरेशन थी वहाँ से होते हुए, और इस लेफ्ट साइड वाले मार्ग से जाओगे, उधर से घूम कर आओगे राइट साइड वाले मार्ग से, और मंदिर शायद वहाँ है। इधर इस गली वाले रास्ते से होकर जाओगे भाई, प्रसाद लेकर फिर से मेरी गोद मांगे भाई। हम इस संकरे से रास्ते से छोटे वाले रास्ते से आगे की ओर बढ़ते चलाए। मंदिर देखें कितनी दूर परिक्रमा करनी पड़ेगी, 300 मीटर बताया रिक्शा वाले ने। तो बाजार जैसी दुकान ने यहाँ आगे भी है थोड़ी सी इसमें, और यहाँ से एंट्री होगी अंदर भाई मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मंदिर परिसर में आ गए भाई। देखो काफ़ी बड़ा सा परिसर है, इधर भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, तो इधर से जा रहे सब भक्तजन, हम भी इनके पीछे पीछे चलेंगे और शायद दर्शन करके उधर से निकल कर आओगे। यहाँ पर काउंटर है भाई, शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर, ये VIP कोटे वाला, यहाँ से टोकन मिलेगा और जाके तुरंत दर्शन पाओ महाकालेश्वर के। लेकिन हम लोग पूरी श्रद्धा लेकर आए, चाहे देर में ही दर्शन हो हमें, लेकिन इधर से चलेंगे कानून से। उन्होंने तो भाई अपने जूते बारह प्रसाद वाले की दुकान के पास रखे, लेकिन यहाँ निःशुल्क जूता स्टैंड भी है परिसर में, तो ये सुविधाएं हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कभी आप घूमने आओगे बाद में तो ये सब सुविधाएं देख सको, क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं। सुलभ जन सुविधा केंद्र भी है, सुलभ शौचालय, और ओमकार मंत्र का जाप भी हो रहा भाई। जैसे जैसे अंदर मंदिर के परिसर में हम चल रहे हैं, इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा हमें। मंदिर का ही भवन है, सुलभ दर्शन केंद्र इधर भी है भाई, लेकिन हम चलेंगे उसी रास्ते से जिससे सब लोग चल रहे, ज़्यादातर लोग चल रहे हैं नीचे। महाकाल के दर्शन करने क्या है भाई? उज्जैन महाकाल के दर्शन करने क्या? देखो कितना बढ़िया व्यू हमारे सामने आने वाला है अभी आगे मंदिर का। बोलो शंकर भगवान की जय। मंदिर की मूर्तियां इधर से शुरू हो जाती है भाई, यहाँ से दर्शन करते हुए चले गए। अंदर का तो हमें पता नहीं भाई, मोबाइल फ़ोन ले जा पाऊँगे नहीं, वीडियो बना पाएंगे या नहीं, लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर कर सकते हो। दिन में तो ऐसा ही दिख रहा, बाकी रात में देखते तो और बढ़िया दिखाई देता। तो फ्रेंड्स इधर से आते हुए इस रास्ते से हम और यहाँ से जाकर लाइन में लगेंगे, और ये लाइन में चलते हुए श्रद्धालु भक्तजन हैं, हम लोग भी इसी लाइन के बीच में चलेंगे, उधर से घूम रहा होंगे। लेकिन चलते रहो भाई, बच्चे कभी निकलते नहीं ना इतने घूमने। प्रसाद पकड़ रखा बाकी बाकी गोद में बंदा ले रखी। अच्छा, और पैदल तो आपको थोड़ा ही चलना पड़ा, अभी गोद में तो हम ही ले रहे ना आपको।